हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ आया हूँ। जितने भी सीएमए के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर ध्यान से सुनना और ज़रूर और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना। सर, जब से इंस्टीट्यूट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे, आपको ऑप्शन दी गई है होम बेस्ड ऑनलाइन की या सेंटर बेस्ड ऑनलाइन की, तब से स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो गए हैं। वो जानना चाहते हैं कि सर, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे तो क्या हम एग्ज़ाम मोबाइल पे दे सकते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। हालांकि इंस्टीट्यूट ने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों आएंगे, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव के भी अगेंस्ट है कि क्या हम डिस्क्रिप्टिव दे पाएंगे। अगर डिस्क्रिप्टिव दे पाएंगे तो क्या हमें एक टाइम थोड़ा एक्सटेंड मिलेगा इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। सर, बड़े सारे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट के माइंड में हैं और जो स्टूडेंट चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके आईसीएमएआई इसको क्लियर करे। तो सर, आईसीएमएआई के प्रेसिडेंट सर ने इन सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया है। एक वेबिनार हुआ, उस वेबिनार के अंदर प्रेसिडेंट सर ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जहां पर प्रेसिडेंट सर ने अपनी क्लेरिफिकेशन दी है, और ये ऑडियो ना मैं आपको इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा और वो ऑडियो पूरी सुनना सर, उसमें पूरी क्लेरिफिकेशन है। हाँ, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, उस ऑडियो के अंदर क्या है ऊपर ऊपर से एक बार आपको डिटेलिंग कर देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ क्या है, और फिर आप इस ऑडियो को सुन लेना। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन है। हाँ जी, तो मैं बता देता हूँ कि जो प्रेसिडेंट सर ने मेनली क्या बातें कही हैं, फिर उसके बाद आप देख लेना। उन्होंने बोला आपको तीन ऑप्शन दी जा रही हैं। नंबर वन, होम बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम। नंबर टू, सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम। नंबर थ्री, ऑप्ट आउट, यानी कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहते वो ना दें, उनकी फीस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी फॉर द नेक्स्ट एग्जाम एज इट इज। तो ऑप्ट आउट को भी इन्होंने थर्ड ऑप्शन में काउंट कर दिया। नंबर टू, यूज ऑफ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। आप मोबाइल पर एग्जाम नहीं दे सकते, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे दे सकते हैं। ऑटो प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिससे वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बोथ एमसीक्यू एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 100% एमसीक्यू पेपर नहीं होगा, जो उन्होंने मॉक टेस्ट में दिया है वही तरीका रहेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, ये अच्छी बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर द फाइनल स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड सून, जो सीएमए फाइनल के स्टूडेंट है उनके लिए जो मॉक टेस्ट है वो जल्दी आ जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ईमेल कर सकते हैं exam.helpdesk@icmai.in। हाँ जी, तो ये मेन उन्होंने आउटलाइन दी है। तो सर, बाकी आप वीडियो ऑडियो सुन लीजिए, वीडियो नहीं है ऑडियो है, प्रेसिडेंट सर की ऑडियो है, तो वो ऑडियो सुन लीजिए, उसमें उन्होंने सारी क्लेरिफिकेशन दे दी है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि विद इन ड्यू टाइम हम नोटिफिकेशन भी इशू कर देंगे, इसलिए सभी स्टूडेंट को एडवाइस की जाती है कि वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को टाइम टू टाइम विजिट करते रहें। चलिए सर, ये मेरे हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, मैक्सिमम शेयर करना, और अब ये ऑडियो सुन लो आप, जो ऑडियो प्रेजेंट सर की है। तो मैं इसको लगा रहा हूं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, रिस्पेक्टेड सीएमएपी राजू अय्यर, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, रिस्पेक्टेड सीएमए हर्षद देश पांडे चेयरमैन, रिस्पेक्टेड अदर मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूआईआरसी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, रिस्पेक्टेड सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स of WIRC, my professional brothers and sisters, ladies and gentlemen, my beloved students, a very good evening to all of you. It is my proud pleasure and honor to address the members of the institute and especially the CMA student fraternity today at this webinar organized by WIRC of the institute. My beloved students, the entire world today is reeling under the threat and aftermath of the unprecedented COVID-19 pandemic, which has not only impacted human lives, the business activities, but also the education system as well. This is a crisis that has affected everyone. The pandemic has affected educational system worldwide, leading to near total closure of schools, universities and colleges. Online learning and online examination has become a critical lifeline for the education as institutions seek to minimize the potential for community transmission. Governments across countries have initiated universities and higher education systems to adapt to remote instruction to cover lectures, exams, evaluation and result publication. The institute has taken all possible measures for the convenience of its members, students and other stakeholders in the present scenario. Online classes for students
an online home-based examination for the foundation course are some of the important decisions already implemented successfully. We are committed to take every possible step in the overall interest of the student community. Due to the outbreak of novel coronavirus, COVID-19, and prevailing condition thereof, the Institute has decided to conduct the intermediate and final examination in December 2020 in online mode only. This is the merged examination of both June 20 term and December 20 term. For the convenience of students, the closing date of submission of online examination form for foundation, intermediate and final course for December 20 examinations of the Institute has been extended up to 25th October 2020 without late fees. To ensure the greater interest of all the stakeholders and in particular the candidates, students from the pandemic situation, COVID-19, the Institute would hold the exam with the following options. Option 1, center-based online mode. Option 2, home-based online mode. Option 3, opt-out from examination. Taking into consideration the request from some students, the Institute has decided to give an opt-out of the examination for the students who have applied for December 2020 and who do not wish to take December 20 examination through online mode. The examination fees already paid by them will be carried forward for the next time. All candidate students will have to appear in the merged intermediate and final examination in December 2020 through online mode only using laptop, desktop, either opting home-based online or center-based online mode as already notified in the timetable. In case of selection of center-based online examination, candidates can appear in the examination as per their selected examination center in the submitted examination application form for December 20 examination. Detailed instruction for home-based online examination and center-based online examination will be released on the website in due course. Now, with online examination becoming the new normal, protecting the integrity of exam and exam date are becoming key areas of concern too. The online examination software tools provide a secure and safe way to conduct examination for multiple students at the same time. I would like to inform that our online examination will be monitored through auto-proctoring software by the online mode and manual mode. After proctoring, software will be monitoring students' movements live through computer's desktop, webcam video, and audio to deliver secure and confidential environment to conduct online exam. Further, the data recorded by the proctoring software is transferred to a proctoring service for review. For all candidate students, including both center-based online and home-based online, login credentials and passkey for mock examination will be provided in your registered email ID and on your mobile through SMS. All the instruction and online will be shared through email and SMS in due course with notification for mock examination. Question paper will contain both MCQ and descriptive type questions to judge subject knowledge and analytical skills of the students. There will be no negative marking in the examination for wrong answers. At least two alternatives will be provided in the examination question paper. The Director of State Studies has already launched online mock test platform with multiple practice series and exhaustive guidelines for intermediate students. Online platform for final students will be activated soon. Online mock test platform for foundation students is already ready. Students are earnestly requested to practice those series meticulously and repeatedly to understand the question pattern and to be acquainted with the online platform. Relevant notification, instructions, login credentials,
and URL link will be given in due course of time. The candidates are advised to visit the website of the institute regularly for further notification and announcement relating merged intermediate and final examination 2020. And in case any query or clarification, can email us at exam.helpdesk@icmai.in. CMA examination by nature is a tough exam and clearing it demands a lot of mental strength. My beloved students, you need to think positive. It is important to strengthen the mind and thoughts and stay positive. Friends, perseverance, hard work, these are the elements of success. Don't feel nervous. Take your exams with full confidence. Believe in yourself because you are the one who studied. You are the one who knows how tough the exam. So just have faith and you are going to nail it. There is no alternative to hard work, no shortcut to success. I am optimistic that our students will do the best. Change is the essence of civilization. There is a proverb, old order changes, yielding place to new, and God fulfills themselves in many ways. So you have to be ahead of the changes. I convey my best wishes to all the students for their success in December 2020 examination.